जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन नॉलेज पर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्तियाँ आई हुई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको इसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही ऑर्गेनाइज़ करता है तो सबसे सब पहले एक बात बता दूं आपको कि इसके लिए आपको टेंथ पास होना बहुत ज़रूरी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो टेंथ एंट्री तो इसको आपको टेंथ पास होना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों आपको ये पहले ये सूचना बता दूं कि ये वैकेंसी ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो और दोस्तों आपको बता दूं कि इसको ऑनलाइन इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना है तीस नवम्बर से सात नवंबर दस सात दिसंबर तक और दोस्तों इसका एडमिट कार्ड जारी होना है उन्नीस दिसम्बर उन्नीस दिसंबर से पच्चीस दिसंबर तक दोस्तों आपको बता दूँ कि कोस्ट गार्ड में बहुत तो ही कम समय मिलता है फॉर्म फिलप करने में तो जल्द से जल्द आप जैसे ही इसकी वैकेंसी आप ऑनलाइन आता है पोर्टल पर तो दोस्तों आपको इसकी वैकेंसी को बहुत ही जल्दी फिलप करना है इसके फॉर्म को दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट आगे की ओर ले चलते हैं दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं और आपको बता दूँ इसको ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकते हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको ओनली मेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ दोस्तों तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपका टेंथ पास होना बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने आपको बताया था और दोस्तों इसमें आपका पचास परसेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और दोस्तों एक बात और आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ही आपको पास होना चाहिए और दोस्तों इसमें पाँच परसेंट की छूट है सिर्फ़ एस टी के लिए दोस्तों पाँच परसेंट की छूट है और दोस्तों सब नंबर पहला एक एस टी वाले को छूट है और नंबर दूसरा जो स्पोर्ट कोटा से है उनको भी इसमें छूट दी गई है दोस्तों जॉब जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपको वैकेंसी आई हुई है कुक के लिए और स्टेवर्ट के लिए कुक में दोस्तों आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों का आ बनाना आना चाहिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों में आपको पकाना आना चाहिए और नंबर दूसरा दोस्तों स्टवर्ट इसमें दोस्तों आपको फूड इन द ऑफिसर मेस राइटर हॉस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनका काम भी करना पड़ेगा एज क्रेटेरिया की बात करें दोस्तों तो एज क्रेटेरिया में अठारह टू बाईस ईयर का होना चाहिए और ऑन वन अप्रैल 2021 हज़ार इक्कीस वन बिटवीन एक अप्रैल उन्नीस तक होना चाहिए 31 मार्च 2003 तक दो दो डेट दी गई है दोस्तों और गवर्नमेंट्स रूल के हिसाब से आपको इसमें छूट भी दी गई है एस टी वालों को फाइव ईयर की और ओ के लिए थ्री ईयर की छूट दी गई है वैकेंसीज़ की बात करें इसमें तो जनरल के लिए बीस है ई वी एस ई डब्ल्यू एस ई ए डब्ल्यू एस के लिए पाँच वैकेंसी है ओ बी सी के लिए चौदह है एस टी के लिए तीन है एस सी के लिए आठ है टोटल पोस्ट पचास है दोस्तों अब हम नीचे बात करें इसमें पे ऑफ सर्कल्स की तो दोस्तों इक्कीस हज़ार सात सौ आपका इसमें सैलरी होना है और प्रमोशन प्रमोशन प्रक्रिया आपकी इसमें चलती रहेगी और दोस्तों नीचे और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो इसमें पर, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी सुविधा होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में नंबर पहला दोस्तों आपको गवर्नमेंट अकाउंटेट और मेडिकल की सुविधा होती है पैंतालीस डे एंड ऑफ आठ डे केजुल लीव्स एवरीडे मिलता है दोस्तों आपके फैमिली आपको फैमिली के लिए भी बहुत कुछ इसमें छूट दी होती है दोस्तों तो आप मैं आपको बता दूं कि हाउ कैन अप्लाई इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं इसके फॉर्म जैसे कि आपको मैंने बताया था इसके फॉर्म तीस नवंबर से स्टार्ट होंगे और सात दिसंबर तक ये इसके फॉर्म फिलअप होंगे दोस्तों और नीचे बात करते हैं हम कि सबसे पहले दोस्तों आपके जो सर्टिफिकेट होंगे कैंडिडेट के सबसे आपके माता पिता का नाम होना चाहिए और दोस्तों टेंथ पास सर्टिफिकेट में जो नाम है उसमें आपका फॉर्म में वही नाम आपको इंटर करना है सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका टेंथ पास होना बहुत ज़रूरी है उसकी उसकी आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल मार्केट होना जब बहुत ज़रूरी है और दोस्तों जब आप फॉम फ़िलिप करें तो दोस्तों आपका एक जोन आपको चूज़ करना होगा जोन वाइज इसमें जोन वाइज इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको आपको इस एग्ज़ाम सेंटर जॉन वाइज से चूज़ करे जाएंगे और नंबर पहला दोस्तों आपका ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है और एक मोबाइल नंबर का होना बहुत जरूरी है इस फॉम इस फॉर्म को फ़िलप करने के लिए आपको बताया दोस्तों कि ये वैकेंसी ऑनलाइन है सिलेक्शन एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो नाविक सेलेक्ट टू पोस्ट अप्लाइड नाविक के लिए है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है अब हम नीचे बात करते हैं दोस्तों आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जोन वाइज पेपर होना है इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताया था सात दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है इसके बाद फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे जैसे कि जोन वाइज इसको रखा गया है नॉर्थ जोन इसका एग्जाम एक्जा, एग्जामिनेशन से सेंटर होगा नोएडा में अब आप इसमें देख सकते हैं नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली यूनियन ट्रेटो छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जोन वाइज में आपको चुना जाएगा और जोन वाइज में आपको कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आपको पता चल जाएगा ईस्टर्न ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन ये सब इसका आप देख लेंगे देख लेना मैं आपकी पी डी एफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अब दोस्तों मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जल्दी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही जल्दी होने वाला है यानी कि इसमें रिटर्न होने के बाद बहुत ही जल्दी आपको बुला लिया जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना है शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद दोस्तों आपका परसेंटेज बेस पर मैंने बताया था कि परसेंटेज बेस पर इसको शॉर्ट लिस्टिंग होने से परसेंटेज आपके बहुत मायने रखते हैं और द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विच जनरल्स सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन में जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और बता दूं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा नंबर पहला क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूट मैथामेटिक्स जनरल साइंस इंग्लिश जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स रीजनिंग में बर्बल एंड नॉर्म बर्बल ये आपका इसमें सिलेबस होगा कि आपको पेपर में ये पूछे जाएंगे करके तो इसमें आप आने के बाद दोस्तों आपका फिज़िकल होगा रिटर्न होने के बाद आपका फिज़िकल होगा और फिज़िकल में दोस्तों आपके पास शूज़ टी शर्ट और टोर्स ये होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आपको ले जाना ज़रूरी है दोस्तों फिज़िकल की बात करें तो इसमें एक वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर आपको रनिंग किया जाएगा जो कि सात मिनट में आपको निकाल लो इसमें बहुत ही अच्छा टाइमिंग दी होती है दोस्तों जो कि सर कोई क्वालिफाई कर लेता है और बीस स्क्वेड लगाना है आपको उठक बैठक के और दस पुशअप मारना है दोस्तों तो ये रहा इसका फ़िज़िकल टेस्ट की पूरी जानकारी उसके बाद यहाँ पर लिखाना दोस्तों कैंडिडेट अंडर अंडरग्राउंड पी डी तो ऐट दियर वर रिस्क दोस्तों इसमें आपका आप यदि इसमें कुछ रनिंग के टाइम कुछ हो जाते हो पी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के समय तो इसका रिस्क आपको है उनका उसकी जवाबदारी उनकी कुछ नहीं होगी नीचे हम बात करें दोस्तों जैसे कि आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसके सिलेक्शन बहुत ही जल्दी इसको आपको बहुत ही जल्दी बुला लिया जाएगा मार्च 2021 को आपको बुला लिया जाएगा इसका काम बहुत ही जल्दी होता है दोस्तों इसलिए आपको बता दूं कि ये जो बहुत ही अच्छी है कोस्ट गार्ड की तो आप इसको प्लीज़ अप्लाई करिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है अब मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करूं दोस्तों कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है तो नंबर पहला आपको थ्री कॉपीज एडमिट कार्ड के लिए जाना है और उसमें थ्री कॉपी में आपकी फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है और टू कॉपीज़ और एप्लीकेशन फॉर्म की टू कॉपी होना भी आपके टू कॉपी भी आपको ले जाना है वहाँ पर ओरिजिनल टेंथ सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है आपको बता दूँ दोस्तों कि आपको ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है जैसा कि इसमें लिखाना है ओरिजिनल कार्ड सर्टिफिकेट आपको जाति प्रमाण पत्र पास औरजिनल ले जाना है और सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है द परमानेंट एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट तो आपको जैसे कि आपने देखा होगा मूल निवास प्रमाण पत्र परमानेंट एड्रेस मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी आपको ओरिजिनल ले जाना होगा और एक कार्ड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है जाति प्रमाण पत्र जो कि ये तीनों प्रमाण पत्र आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है और आईडी प्रूफ होना आपके पास बहुत जरूरी है आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो पैन कार्ड हो ये आई प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है तभी आपको एग्ज़ाम में इंटर होने देंगे या फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपके पास आई प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों अब मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो नंबर पहला हाइट आपकी एक सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट आपका दोस्तों मिनिमम पाँच सेंटीमीटर आपका इम्प्रूव होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया कि आपका फुलाने के बाद पाँच सेंटीमीटर इंक्रीज़ होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों और वेट की बात करें तो वेट आपका दस परसेंटेज एक्स्टेबल होना चाहिए और हेयरिंग नॉर्मल ही होना चाहिए दोस्तों इसमें सब नॉर्मल है मेडिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा तो वो नहीं है दोस्तों और आई आपकी नॉर्मल ही होनी चाहिए उतनी ज़्यादा इसमें वो मांगा नहीं है आई भी बिल्कुल नॉर्मल है ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए आपको अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ तो इसकी लास्ट डेट आपको एक बार और ध्यान दे दोस्तों ध्यान दिला दो कि सात दिसंबर की लास्ट डेट है आप जाके अप्लाई करना दोस्तों यदि जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे तो मैं आपको इसकी वीडियो एक और बना कर दे दूँगा कि आपको इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको दे दूँगा और अच्छे से इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वेलकम दबाना ना भूलो ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे जय हिंद